इंदौर सहकारी दुग्ध संघ के अध्यक्ष मोती सिंह पटेल जिले में दूध की उत्पादन क्षमता और दूध के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए लगातार किसानों को जागरूक कर रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस के तेज तर्रार नेता मोती सिंह पटेल ने जब से इंदौर सहकारी दुग्ध संघ की जिम्मेदारी संभाली है, तब से जिले में दुग्ध संघ दूध की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए गांव-गांव किसानों को जागरूक कर रहा है। इस कड़ी में हातोद में लोकार्पण कार्यक्रम में मोती सिंह पटेल ने किसानों को दूध देने वाले जानवरों को लेकर जागरूक किया। गाय माताओं के लिए विशेषकर एक सेक्स सीमन के नाम से जो गर्भाधारण होता है, कृत्रिम गर्भाधारण, एक नया सेक्स सीमन आया है, उसके माध्यम से अगर हमारी गाय माता गर्भधारण करेगी तो अभी तक हमारे दूध संघ में 3 जगह का अभी ये प्रयोग सामने आया है। तीनों जगह गाय बछड़ी पैदा हुई। डॉक्टरों का कहना है कि 100%, पर हम 90-80 तो माने, अगर 80% भी बछड़ी पैदा हो गई तो आपकी आवारा जो सांड बेल केड़े घूमते ना, और ये कमलनाथ जी की सरकार ने अभी गौशाला खोली ना आजाद साहब, उसमें कमी आ जाएगी। सरकार का कुछ बजट फंड उधर भी गया तो उसमें कमी आ जाएगी। और हमारे किसान भाइयों को जो हम क्या है, गाय कोई सी भी हो, आने वाले समय में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मेरा तो निवेदन है कि हम जो गाय माता का गर्भधारण सेक्स सीमन के माध्यम से करें, उसकी लागत 1,000 रुपए है। मैंने अभी कल मुख्यमंत्री जी आए थे इंदौर में, मैंने उनको पत्र लिख दिया है कि साहब मैंने तो मांग करी है कि इसको निःशुल्क करो, अगर निःशुल्क नहीं भी करें तो कम से कम उसमें 50% की आप सब्सिडी दो, तो ये हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, प्रयास करेंगे। वहीं उन्होंने जिले के दूध किसानों को कमलनाथ सरकार से उचित मदद और योजनाओं का लाभ दिलवाने का भी आश्वासन दिया। जितना इंदौर दूध संघ मुनाफे में रहेगा, एक ऐसे हम फंड बना देंगे कि उसमें से हम कितना दे सकते हैं साल भर में। अजय साहब, दूध का पेमेंट मिल गया, सोसाइटी ने भी बोनस दे दिया, उसके बाद भी इंदौर दूध संघ के साथ प्रयास करेगा कि हमारे किसान भाइयों को एक मुश्त ऐसी रकम मिले, या तो वो कोई जानवर खरीद ले या अपने घर का छोटा मोटा कोई काम हो वो कर ले, ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं। दूसरा, हमारी सरकार ने भी 5 रुपए का बोला है, तो वो भी मैंने कल लिख कर दे दिया मुख्यमंत्री जी को कि साहब एक साल हो गया है, किसान हमारे अतिवृष्टि के कारण फसल भी खराब हो गई है, कर्ज माफी आपने 50,000 तक करी है, 1 लाख का उन्होंने आपने देखा होगा कल घोषणा कर गए हैं वो 26 जनवरी में, बहुत जल्दी 1 लाख रुपए तक का कर्ज भी माफ हो जाएगा। पर 5 रुपए का हमारा प्रयास है, हमारी सरकार जल्दी से जल्दी हमारे किसान भाइयों को दे, तब जाकर इस दूध के धंधे को लाभ का धंधा हम बोल सकते हैं। कुल मिलाकर मोती सिंह पटेल दूध के धंधे को लाभ का धंधा बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।